हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। कक्षा 11 रिडॉक्स रिएक्शन हमने पिछले वीडियो में आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको बताया था। आज दूसरा रिएक्शन आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण को संतुलित करने के लिए हम बताएंगे कि कैसे संतुलित किया जाता है। एक उदाहरण हम बता चुके हैं आपको कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। आज के वीडियो में दूसरी अभिक्रिया जो आयनित समीकरण के रूप में है उसको हम बराबर करने के लिए आपको बताएंगे। तो यह अभिक्रिया आयनित दी गई है आपको, तो इस समीकरण को दो समीकरणों के रूप में लिखने पर ये MnO4 से Mn2 पॉजिटिव अपचयन अभिक्रिया का असंतुलित समीकरण MnO4 निगेटिव से Mn2 पॉजिटिव समीकरण ए ऑक्सीकरण अभिक्रिया का असंतुलित समीकरण Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव ये समीकरण भी हो गया। देखिए, अपचयन क्रिया में MnO4 है, Mn2 पॉजिटिव है, परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। Mn और Mn तो बराबर है लेकिन O यहां 4 है। तो समीकरण A में परमाणुओं की संख्या बराबर करने पर Mn2 पॉजिटिव। इसके लिए आप दाईं तरफ H2O दिया गया है, ये परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए ही दिया जाता है। H पॉजिटिव, OH निगेटिव और H2O यहां पर उतारेंगे, दिया गया है H पॉजिटिव। ऑक्सीजन 4 हैं तो H2O को 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 ऑक्सीजन इधर हो गए, 4 ऑक्सीजन ये, लेकिन हाइड्रोजन 4 दुनी 8 हो गया, 8 पॉजिटिव हो गया, परमाणु की संख्या बराबर, ये समीकरण सी है। अब बी में तो बराबर है ही, Fe यहां। अब इलेक्ट्रॉन लिखकर आवेश बराबर करने पर ये हो जाएगा MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। अब देखिए, क्योंकि अपचयन क्रिया ही है इसलिए इलेक्ट्रॉन बाई तरफ लिखा जाएगा, तो 8 पॉजिटिव से 1 निगेटिव निकल जाएगा, 7 बचा, 7 से 2 हो रही है बैलेंसी, तो कमी 5 की हो रही है, 5 इलेक्ट्रॉन। यह समीकरण डी हो गया, ये रिडक्शन है, अपचयन। अब इसको आइए, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव
दो से तीन हो रही है, बढ़ रही है वैलेंसी, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ये समीकरण ई है और ये आक्सीकरण। चूंकि यहाँ ये पांच इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करने के लिए समीकरण ई को पांच से गुणा करने पर, तो एफ ई टू पॉजिटिव से एफ ई थ्री पॉजिटिव प्लस ई गुणे पांच, तो ये हो जाएगा फाइव एफ ई टू पॉजिटिव से फाइव एफ ई थ्री पॉजिटिव प्लस फाइव इलेक्ट्रॉन, समीकरण एफ हो गया। अब समीकरण डी और समीकरण एफ को जोड़ने पर समीकरण डी तथा समीकरण एफ को जोड़ने पर यह हो जाएगा डी एम एन ओ फोर नेगेटिव प्लस ए टी एच पॉजिटिव प्लस फाइव इलेक्ट्रॉन एम एन टू पॉजिटिव प्लस फोर एच टू, ये हो जाएगा फाइव एफ ई टू पॉजिटिव से फाइव एफ ई थ्री पॉजिटिव प्लस फाइव ई। फाइव ई, अब ये पांच इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, पांच इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और इसको जोड़ के आप लिख देंगे MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5Fe2 पॉजिटिव, एरो लगाइए Mn2 पॉजिटिव प्लस 5Fe3 पॉजिटिव प्लस 4H2, यही संतुलित समीकरण है। ये एक अभिक्रिया है MnO4 नेगेटिव प्लस 5Fe2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, एरो Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव प्लस H2O को आपने देखा आयन इलेक्ट्रॉन विधि से इसे बराबर किया गया है। यह दूसरा समीकरण है जिसको आयन इलेक्ट्रॉन विधि से बराबर किया जाना है। इसको शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं, दो समीकरण के रूप में एजी से एजी पॉजिटिव और दूसरा समीकरण है एनओ थ्री निगेटिव से एनओ, ये बी वाला है, ए में बराबर है परमाणुओं की संख्या, तो आप समीकरण बी में परमाणुओं की संख्या बराबर करने पर, तो NO3 निगेटिव से NO, ये बराबर करने के लिए यहां पर H2O दिया गया है प्लस H पॉजिटिव, ऑक्सीजन तीन है यहां पर, दो ऑक्सीजन है तो दो से गुणा हो जाएगा, तो
तो दो ऑक्सीजन एक तीन ऑक्सीजन, लेकिन ये 4H पॉजिटिव हो जाएगा। समीकरण सी है, दोनों में बराबर है। अब इलेक्ट्रॉन लिखकर आवेश बराबर करने पर ये Ag से Ag पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ये ऑक्सीकरण है, समीकरण डी हो गया। दूसरा है NO3 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव NO प्लस 2H2O, ये रिडक्शन है, समीकरण ई। यहां देखिए चार पॉजिटिव से एक नेगेटिव घट गया, तीन हो गया, इधर जीरो हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि तीन इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, ये समीकरण ई हो गया। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करने के लिए समीकरण डी को दो से गुणा करने पर एजी से एजी पॉजिटिव प्लस ई गुणे तीन, तब ये थ्री एजी पॉजिटिव प्लस थ्री ई, समीकरण एफ हो गया। अब समीकरण ई और समीकरण एफ को जोड़ देने पर समीकरण ई तथा समीकरण एफ को जोड़ने पर समीकरण ई जो हो गया आपका NO3 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 3E नेगेटिव से NO प्लस 2H2O, और दूसरा हो जाएगा 3Ag से 3Ag पॉजिटिव प्लस 3E नेगेटिव, तीन इलेक्ट्रॉन काट देंगे तो ये हो जाएगा 3Ag प्लस NO3 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव 3Ag पॉजिटिव प्लस NO प्लस 2H2O। ये समीकरण आपका संतुलित हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगला कल के वीडियो में।